रायपुर की मुजगहन और पुरानी बस्ती थाना इलाके में दो अंधे कत्ल दर्ज हैं, जिसकी गुत्थी को सुलझाना पुलिस के लिए एक ऐसी पहेली बन गई है कि एक केस में पुलिस को गांव के लोग भूल जा रहे हैं, जबकि दूसरे केस में अब तक मृत महिला की शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। आखिर क्या है अनसुलझे केस की पहेली, रिपोर्ट देखिए। रायपुर में बीते दिनों दर्ज हुए दो अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाना पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है, जिसमें से एक केस तो ऐसा है जिसमें मृत महिला की शिनाख्त तक नहीं हो सकी है, जबकि दूसरी मृत महिला की पहचान होने के बाद भी कातिल कानून के शिकंजे से दूर है। ऐसे में तहकीकात में जुटी पुलिस के लिए ये अंधे कत्ल के मामले अबूझ पहेली बने हुए हैं। 26 अप्रैल को काटाजी रोड में हमें एक बोरे में बंद एक महिला की लाश मिली, जिसके पीएम से पता चला था कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। इस पर से लगातार हमारी टीम वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन अनुसार गठित थी। हत्या का पहला केस पुरानी बस्ती थाना इलाके का है, जहां के काटाडीह रोड पर बीते 26 अप्रैल को अज्ञात लाश मिली थी। महिला की लाश को परत दर परत बोरे में बांध कर फेंका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हत्या गला दबाकर की गई थी। शुरुआत में पुलिस ने कैंप लगाकर आसपास के गांवों में महिला की शिनाख्त करने की कोशिश की। रायपुर जिले में जितने भी गुम महिलाएं हैं उनके घर घर जाकर भी दस्तक दी, यहां तक कि क्षेत्र के तमाम गांव के सरपंच और कोटवारों से मिलकर महिला की तस्वीर दिखाई, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिल पाया। अब पुलिस की टीम सीमावर्ती जिलों की खाक छान रही है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग रहा। जितने भी गुम इंसान महिलाएं वगैरह थी उनसे पर्सनली उनके घर में जाकर तस्दीक किया गया। उसके उपरांत क्षेत्र में जितने भी अगल बगल गाँव थे, गाँव के प्रत्येक कोटवार और सरपंचों से मिला गया, उन्हें फोटो दिखाई गई, संबंधित जानकारी ली गई। अंधे कत्ल का दूसरा केस मुजगहन इलाके में दर्ज हुआ था, जब छछान पेरी गांव में बीती 23 मई को सड़ी गली लाश बरामद हुई थी, जिसकी पहचान 65 वर्षीय बालकी विश्वकर्मा के रूप में हुई है। तब महिला घर में अकेली थी। पुलिस टीम ने हत्या के संबंध में करीब 30 लोगों से पूछताछ की, पर गांव के कुछ लोगों ने महिला के संबंध का रास्ता टोला, लेकिन गांव के लोगों ने जांच में सहयोग नहीं किया। ऐसे में ये केस भी पुलिस के लिए पहली बना हुआ है। गांव में उसके दो मामा का परिवार रहता है, वो लोग भी बताते हैं कि हमारे यहाँ भी बहुत कम आना जाना करती थी और कभी आती भी थी तो कोई खास बात नहीं बताती थी, आती थी थोड़ी देर बैठती थी और चली जाती थी। ब्लाइंड मर्डर के दोनों केस में पुलिस के हाथ अभी तक खाली है, तफ्तीश के बाद कोई अहम सुराग नहीं मिल सका है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर पाती है। हवालात के लिए रायपुर से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। हवालात में बस एक ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।